2016 में नोटबंदी करते समय मोदी ने कहा था इस देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तब हम एक दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला करा करके हमारे जवानों की हत्या करा दी गई, जब नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया था तो वह आतंकियों को फाइनेंस किसने किया? देश को पूछना चाहिए कि जब नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया तो पुलवामा में जवानों की हत्या क्यों हुई? तालाबंदी भी कोरोना काल में मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। 2016 में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान देश को झेलना पड़ा, उसको ही मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। 2000 का नोट भी नहीं चला। आपने देखा होगा कि बजरंगबली भी नहीं चला, बजरंगबली में ठोकर मार दिया, नोट भी इनको धोखा दे गए 2000 के। वही धीरेन्द्र शास्त्री इनका है तो धीरेन्द्र शास्त्री को यह बताना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी तुम्हारी हनुमान सुनवाई करना बंद कर दिए, मूर्ख तुम उनका नाम लेना बंद कर दो कि मैं काला धन वापस लाने वाला हूँ, सबके खाते में 15-15 लाख जमा कराने वाला हूँ, किसानों को लाभकारी मूल्य देने वाला हूँ, सबके अच्छे दिन लाने वाला हूँ। हमारे देश में हुआ क्या? किसान सड़कों पर, आपने देखा बेटियां सड़कों पर, आपने देखा बेरोजगार करोड़ 45 करोड़ बेरोजगार सड़कों पर। वही कह रहे थे कि जमीन के नीचे 100-150 मीटर तक भी उस पर नैनो चिप है। हमने 2000 के नोट का टुकड़ा टुकड़ा करके देखा, उसमें कहीं चिप मिली नहीं है। जैसे बुलबुल के ऊपर आदमी को घुमा सकते हैं आप भारत भ्रमण में, वैसे ही आप बता सकते हैं कि 2000 के नोट में नैनो चिप थी। ये जो नोटबंदी का खेल है, 2016 में 2.5 लाख करोड़ का हमारे देश ने नुकसान झेला है, ये तानाशाही का मामला। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं नोटबंदी कर रहा हूँ, तब मैं कहना चाहता हूँ 2016 में नोटबंदी करते समय मोदी ने कहा था इस देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तब हम एक दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो आतंकी हमला करा करके हमारे जवानों की हत्या करा दी गई, जब नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो गया था तो वह आतंकियों को फाइनेंस किसने किया? इसका मतलब है कि ये 1,500 के नोट बंद करके 2000 में तब्दील करके या तो नोटों की बड़ी गड्डी सरकार ने वहां पहुंचाई है, और मोदी को बताना चाहिए, देश को पूछना चाहिए कि जब नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया तो पुलवामा में जवानों की हत्या क्यों हुई? और ये सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि हमारे देश में 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी यह आरोप लगाया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, और यही नहीं हमारे देश के जनरल रह चुके मानिक शाह ने भी कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी को, माफ़ी मांगनी चाहिए हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को उन जवानों की हत्या को लेकर के। तब मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, चाहे वह पुलवामा में जवानों की हत्या का मामला हो चाहे तालाबंदी करके, हम आपको बताना चाहते हैं, मैंने तब भी दावा किया था, मैंने कहा था कोरोना काल के बीच, जब कोरोना की बात थी, मैंने अपनी देह पर टीका नहीं लगवाया, मोदी सरकार जानती है, हमने ना तो शारीरिक दूरी का पालन किया। हमारे किसान आंदोलन में आपने देखा हमारा डेरा था चारों तरफ पड़ा दिल्ली के अंदर, सिंगो बॉर्डर से लेकर टीकरी बॉर्डर से लेकर के, आप समझ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर देश में तालाबंदी करके कोरोना का विस्तार रोकना था तो नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि भारत में 12 वर्ष की आयु तक के 96% बच्चों में कोरोना होने के बाद एंटीबॉडी कैसे पाई गई। इसका मतलब है कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुका, लेकिन लॉकडाउन के आड़ में क्या हुआ, खुले आसमान के नीचे हमारे मजदूरों के बच्चों ने, गरीबों की महिलाओं की पत्नियों ने खुले आसमान के नीचे चलते चलते बच्चे बच्चों को जने हैं, आपको मालूम होगा। लेकिन अब ये 2000 की जो नोट बंद हुए तो वो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। देखिए मास्टर स्ट्रोक तो इसका 450 मामले में तालाबंदी भी कोरोना काल में मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। 2016 में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान देश को झेलना पड़ा, उसको ही मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। अब 2000 के नोट को इसलिए बंद किया गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ दावे के साथ में, कर्नाटक में जिस हिसाब से इन्होंने 2000 के नोटों का वितरण किया, हर उसका नोट फेल हो गया, लोगों ने नोट लेकर के पैसा वोट नहीं दिया, इसलिए नरेंद्र मोदी बेशर्म के हाथ में अब शर्मसार होकर के मजबूर होकर के नोट बंद करा रहा है कि 2000 नोट भी नहीं चल पाया, 2000 का नोट भी नहीं चला। आपने देखा होगा कि बजरंगबली भी नहीं चला, बजरंगबली में ठोकर मार दिया, नोट भी इनको धोखा दे गए 2000 के। और मुझे लगता है कि राम से भी अब इन्होंने क्या कर दिया, अब बजरंगबली को छोड़ दिया, 2000 के नोट बंद कर दिए, राम का भी पल्ला छोड़ दिया, अब एक कोई पकड़ लिया उन्होंने, वो एक जादूगर है, क्या उसका नाम धीरेन्द्र, क्या हाँ धीरेन्द्र शास्त्री एक लड़का है, वो जादूगर है, उससे बढ़िया एक लड़की है, वो क्या नाम है उसका, सुहानी, सुहानी कहती है कि भाई देखो ये फेस रीडिंग का मामला है, और वो इनका जादूगर कहता है कि नहीं हमारी तो हनुमान जी के साथ बात होती है, तो
तो अब हनुमान जी के साथ अगर बात करने वाला वो धीरेंद्र शास्त्री इनका है, तो धीरेंद्र शास्त्री को ये बताना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी तुम्हारी हनुमान सुनवाई करना बंद कर दिए, मूर्ख तुम उनका नाम लेना बंद कर दो। वो तो अरे भाई मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कहा जा रहा है कि मतलब एक भ्रष्टाचार खत्म करने की, काला धन वापस लाने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है इस तरीके से। नहीं नहीं एक बात बताइए यार, नहीं नहीं कौन सी प्रक्रिया और कब प्रक्रिया शुरू होती है और कब खत्म होती है? नरेंद्र मोदी जब आया था तो ये वादा करके आया था सत्ता में कि मैं काला धन वापस लाने वाला हूँ, सबके खाते में 15-15 लाख जमा कराने वाला हूँ, किसानों को लाभकारी मूल्य देने वाला हूँ, सबके अच्छे दिन लाने वाला हूँ। हमारे देश में हुआ क्या? किसान सड़कों पर आपने देखा, बेटियां सड़कों पर आपने देखा, बेरोजगार करोड़ 45 करोड़ बेरोजगार सड़कों पर आपने देखा, हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर, तो किसान सड़कों पर, देश के बच्चे सड़कों पर, देश की बेटियां सड़कों पर, देश की रक्षा करने वाले जवान सड़कों पर, सबको सड़क पर लाया, देश के व्यापारी सड़कों पर, टैक्स पद्धति को लेकर। एक बात बताइए, 2016 में जब नए नोट आए वो पुराने नोट बंद हुए, उसके बाद फिर 2022 में 2000 के नोट बंद कर दिए, उस समय पे नैनो चिप की भी बात कही गई थी। नहीं नहीं एक बात सुनिए, जो आप नैनो चिप की बात करने वाले जो पत्रकार हैं, देखो मैं फिर कहना चाहता हूँ, वही बेशरम पत्रकार हैं जो तोता की तरह जिस दिन आर्यन खान को इनका जो जीजा है ना समीर बानखेड़े ने जब गिरफ्तार किया था, तब तोता की तरह गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि देखो सुनो कि एक्टर भी और उनके बेटे भी और उनके बच्चे भी नशा करते हैं, और अब वही कह रहे हैं कि देखो बेगुनाह को फंसा दिया, बेगुनाह को फंसा दिया। वही कह रहे थे कि जमीन के नीचे 100-150 मीटर तक भी उस पर नैनो चिप है। मेरे पास तब मोबाइल था 13,500 रुपये वाला, मैं उसको लेके घूमता हूँ। अभी मेरे पास है A52 है ना, गैलेक्सी का, मैं ऐसा लेकर घूमता हूँ, नेटवर्क काम नहीं करता MTNL का, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूँ, मेरा विजय बिहार में जो घर है तो MTNL का नेटवर्क काम नहीं करता है। और भाई कई लोगों का मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा साहब हमने 2000 के नोट का टुकड़ा टुकड़ा करके देखा, उसमें कहीं चिप मिली नहीं है। तो ये मैं आपके माध्यम से फिर एक बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को, हमारे देश की आज़ादी की जंग में इनका एक कायर सावरकर था जो आधी लड़ाई के बीच में इनका मुखबिर बन गया था गोरों का। इन्होंने कहा कि साहब वो एक बुलबुल के ऊपर बैठ के भारत भ्रमण करता था, जिस तरीके से वो बुलबुल के ऊपर एक इंसान भारत भ्रमण कर सकता है, ठीक उसी तरीके से 500 और 1000 के नोट बंद करके आतंकवाद पर विराम लगाने की बात, आतंकवाद खत्म करने की बात करके पुलवामा में आतंकी हमले में जवानों को मरवाया जा सकता है, उसी तरीके से जैसे बुलबुल के ऊपर आदमी को घुमा सकते हैं आप भारत भ्रमण में, वैसे ही आप बता सकते हैं कि 2000 के नोट में नैनो चिप थी, उसी तरीके से फिर 2022 में कर्नाटक में 2000 के नोट बांटने पर, बजरंग बली का नारा लगाने पर जब आप दोनों फेल हो जाओ, तो अब आप एक है कि भाई वो दावा करता है कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, बजरंग बली मेरी बात सुनते हैं, मैं सीधा संवाद करता हूँ, अब तो उसकी हाँ उसकी शरण में चले गए। देशवासियों को सोचना चाहिए कि इनकी बात ना बजरंग बली सुनता है, ना इनकी बात राम भली सुन रहे हैं, ना इनके 2000 के नोट चल पा रहे हैं, इसलिए नोटबंदी करा के मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ध्यान भटकाने का यह षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र? झटका लगा कि नहीं? तीन बड़े कारण है। देखिए ये मास्टर को इनका मास्टर स्टॉक क्या है, ये बेटियां बैठी 28 दिन से धरने पर, इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। दो, हमारे देश के 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने कहा पुलवामा में जवान मरवा दिए, हत्या करवाए जवानों के, 40 जवानों के, इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और तीसरा महत्वपूर्ण ध्यान भटकाने का है, हमारे देश के सामरिक दृष्टि से बंदरगाह, एयरपोर्ट और हवाई क्या कहते हैं रेलवे लाइन, और हमारे जो हथियार बनाने की कंपनियां, चीनी पार्ट का एक नागरिक है चांग चुंग लिंग, उसके साझेदार और गौतम अदानी को बेचने का जो षड्यंत्र है, इसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और हमारे देश की 45 करोड़ आबादी, इस समय जो आबादी कह रहा हूँ मैं युवाओं की, जो बेरोजगारी की कतार में खड़ी है, हमारे देश के आपको मालूम है कि वो उन्होंने रोजगार की इच्छा ही त्याग दी है, ऐसी स्थिति देश के अंदर हो गई है। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने का, और हम सब लोगों को पूछना चाहे, लास्ट बात, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, और 9 साल में अब पता लगा कुछ 1000 लोगों को वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है।